अगर हम विश्व की पुरानी सभ्यताओं की बात करें, ठीक है, कि कब से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, या ये कहें कि कब से भूगोल के क्षेत्र में विकास होना शुरू हुआ, लोगों को तमाम प्रकार की चीज़ों का ज्ञान हुआ, ठीक है, तो आखिर कब से हुआ? तो इसके लिए सबसे पहले जब हम सभ्यताओं को पढ़ते हैं तो सभ्यताओं में हमें पता चलता है कि जो सबसे पुरानी सभ्यता थी आज से 5000 वर्ष पहले, वो थी कौन? मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी आज से 5000 साल पहले, ठीक। मिस्र की सभ्यता के बाद जो मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है, जो मिस्र का जो इजिप्ट, जिसको हम उस समय क्या था, इजिप्ट के नाम से जानते थे, ठीक ना, तो वह जो इजिप्टियन एम्पायर था वह भूमध्य सागर के किनारे किनारे फैला हुआ था, ठीक है। भूमध्य सागर के किनारे किनारे इजिप्टियन एम्पायर, जब आप वर्ल्ड मैप उठा करके देखेंगे तो भूमध्य सागर का जब इलाका देखेंगे तो उसी के चारों तरफ क्या था, ये सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद असीरियन एम्पायर आया, असीरियन सभ्यता का क्या हुआ, जन्म हुआ। ध्यान से बिल्कुल इसको कहानी की तरह सुनना है, तब थॉट समझ में आएगा। एक ओवरव्यू लेके चलेंगे, एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह इसको समझते चलेंगे तो थॉट क्या है क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मिस्र की सभ्यता के बाद असीरियन सभ्यता आई, और जो असीरियन सभ्यता थी, असीरियन सभ्यता में लोग किलाक्षर लेखन करते थे, ठीक है, क्या लेखन करते थे, किलाक्षर, किलाक्षर लेखन करते थे, क्लियर। किलाक्षर लिपि क्या थी, कील, जैसे कील होता है ना, कील देखें, कील, तो ऐसे ऐसे लोग लिखा करते थे, इस तरीके से लिख करके वो चीज़ों को क्या करते थे, समझते थे। तो यह किलाक्षर लिपि कहलाती थी असीरियन सभ्यता में। असीरियन सभ्यता के बाद फिर विकास हुआ यहूदियों का। यहूदी लोग, ठीक है, भूमध्य सागर के किनारे इनका क्या हुआ, अपना विकास हुआ। तो यहूदियों का जो ग्रंथ था, ठीक है, जो नियम बनाए गए अपने लिए, अपने समाज के लिए, यहूदियों जो ने जो नियम बनाया, ठीक है, ईसाइयत में उसी को हम ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। ईसाइयत में उसी को किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, उसी को हम ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ईसाइयों का कह लें, या ये कहें कि यहूदियों का, या यहूदियों के जीवन के लिए, उनके समाज के लिए जो नियम बनाए गए थे, देखिए हर धर्म और हर समाज का रहने का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है, नियम होता है कि आप शादी विवाह इस तरीके से करेंगे, पूजा पाठ इस तरीके से करेंगे, ये त्यौहार होंगे आपके। तो ये जितने नियम थे ये सब नियम क्या हुए, ओल्ड टेस्टामेंट में थे यहूदियों के लिए। जब हम ईसाइयत की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी के ज़माने में क्या था, जो बाइबल है, ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का जो ग्रंथ है वो क्या है, बाइबल। तो बाइबल को दो भागों में बांटा जाता है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट है वो बहुत बाद की है। तो यहूदियों का क्या हुआ, अधिकार हुआ, ओल्ड टेस्टामेंट आया, ठीक। उसके बाद भूमध्य सागर के ही चारों तरफ, ठीक है, जिसको कि एशिया माइनर बोला जाता था, एशिया माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब कि गौड़ भाग, गौड़ भाग का मतलब एशिया का वह छोटा भाग जो पूर्वी यूरोप के पास में था, दक्षिण पूर्व यूरोप के, यूरोप से सटा हुआ था भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, उसी को एशिया माइनर। एशिया माइनर में क्या आता है, तुर्की आता है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है, ये सारे देश किस में आते हैं, एशिया माइनर में आते हैं, क्लियर। तो वहाँ पर एशिया माइनर पर जिस जातियों का, जिस जिन लोगों का अधिकार हुआ उनको फोनेशियावासी बोला गया, फोनेशियन उनको बोला गया, क्या बोला गया, फोनेशियन बोला गया,
तो जो फोनेशियन लोग थे, फोनेशियन लोग थोड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। फोनेशियन लोग जो थे, फोनेशियन लोग कुशाग्र बुद्धि के थे, ठीक है। इनको भौगोलिक ज्ञान था, ये यात्राएं क्या करते थे, ठीक है। फोनेशियन लोग यात्राएं करते थे, जैसे टायर और सैदोन बंदरगाह विकसित किए, ठीक। गैडिस नामक नगर बसाए फोनेशियन वासी। देखिए कभी कैसे वो जान गए कि यहाँ पर हमारा बंदरगाह रहेगा, पोर्ट रहेगा भूमध्य सागर में, तो हमको फायदा होगा। इसका मतलब यही था ना कि फोनेशियन वासियों को क्या था, भौगोलिक ज्ञान था। फोनेशियन वासियों को क्या था, भौगोलिक ज्ञान था, तभी तो वो समझते थे कि यहाँ हमारा जो है गेडिज नामक शहर है, ये चारों तरफ से क्या है, अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, तो यहाँ इसको बसाना उचित है। टायर सैदोन बंदरगाहों को बनाया, नगरों को बसाया, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी फोनेशियन वासियों में, फोनेशियन वासियों में दिक्कत ये थी कि वे बड़े स्वार्थी प्रकृति के थे, अपना ज्ञान किसी से बांटते नहीं थे। फोनेशियन वासी क्या थे, स्वार्थी प्रकृति के थे, वे अपना ज्ञान किसी से बांटते नहीं थे। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे उनका प्रभाव भी खत्म हो गया। भाई अगर किसी चीज़ को कोई जानेगा तभी तो वो फैलेगा। जैसे भारतवासी, अगर हम ये कहें कि जो भारत की संस्कृति है, आज पूरी दुनिया से भारत कनेक्ट है, तो पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति आज फैल रही है। लेकिन जिस टाइम अंग्रेज भारत में आए, उस टाइम भारत की संस्कृति को भारत से बाहर ले जाने वाला कोई नहीं था। अगर हम उसके और पीछे की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म फैला, भारत के लोगों ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, चाइना, जापान, ठीक है, और हिंद चीन तक मतलब पहुंचाया, इंडो पैसिफिक रीजन तक पहुंचाया। लेकिन इंडियन कल्चर को और कहीं पर हम नहीं देखते हैं। उसका रीज़न क्या था, हम लोग कहीं जाते नहीं थे। हाँ आज हम देख रहे हैं मॉडर्न युग में, मतलब जो अंग्रेज़ों का कल्चर है वो हमारे यहाँ है, पूरी तरीके से हम लोगों के मन में क्या है, रच बस गया है। तो उनका कल्चर हमारे यहाँ कैसे आया, क्योंकि वे लोग निकले वहाँ से और निकल करके चारों तरफ गए, ठीक है। यूरोपियन सभ्यता के पूरी दुनिया में फैलने का कारण सिर्फ एक है, समुद्र। वह देश छोटे होने के बावजूद भी बड़े बड़े देशों पर अपना अधिकार किए, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, छोटे छोटे देश हैं। जैसे ब्रिटेन एक बहुत छोटा सा देश है, अब भारत जैसे बड़े देश को उसने क्या किया, अधिकार किया। तो यात्राएं क्या होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप निकलेंगे कहीं पर, जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ की कल्चर को देखेंगे, वहाँ की संस्कृति को देखेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा, है ना। आप उस तरीके से अपने कार्य को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखेंगे तब ना भाई, जाएंगे तब ना, है कि नहीं, तब आपके दिमाग खुलेगा कि अच्छा नहीं, ये काम ऐसे होता है, ये काम। जब दो चार लोगों का काम देखेंगे तो उनके उनके अनुभव से अपना काम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। तो फोनेशियन वासी जो थे ये बड़े स्वार्थी प्रकृति के थे। धीरे धीरे इनका भी खात्मा हो गया। फिर यहाँ से यूनानियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जो यूनान काल था, जो यूनान साम्राज्य था, इन लोगों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और जो सबसे प्रसिद्ध शहर था यूनान का, वो था मिलेटस। ज्ञान का केंद्र बोला जाता था मिलेटस को, यूनान यानी कि ग्रीक, है ना। तो मिलेटस जो था वह ज्ञान का केंद्र था। वहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, उसी पुस्तकालय में हिकेटियस और इरेटोस्थनी जैसे विद्वान पढ़े थे, उसी लाइब्रेरी में, उसी म्यूजियम में, म्यूजियम कम लाइब्रेरी, म्यूजियम भी था, पुस्तकालय भी था, वहाँ लोग जाते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, ठीक है। तो यूनानियों ने क्या किया, यात्राएं की, अपने भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया, एक दूसरे से चर्चा शुरू की, किसने, यूनानियों ने। तब जाकर के क्या हुआ, धीरे धीरे भूगोल में तमाम प्रकार की सारी बातें आने लगी, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जो यूनान काल है ये 900 ईसा पूर्व से शुरू हुआ हम मानते हैं, कब से,
900 BC 900 ईसा पूर्व से यूनान काल की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये तो रही अब तक की कहानी कि सभ्यताओं ने कैसे जन्म लिया और किस प्रकार की सभ्यता में क्या बात हुई, ठीक। बाकी सभी सभ्यताएं थी, ठीक है, जैसे दजला फरात ईरान, जो ईरान इराक है, दजला फरात नदियों की घाटियों में सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये सारी सभ्यताएं क्या थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी और एक दूसरे से वेल मतलब भौगोलिक ज्ञान इनको बहुत अच्छा था, ठीक ना। लेकिन यहाँ से जब हम आधुनिक समय की बात करेंगे, अपने युग की बात करेंगे, सभ्यताओं को छोड़ करके, जिस सभ्यताएँ तो नष्ट हो गई, सभ्यताएँ क्या हुई, नष्ट हो गई, लेकिन सभ्यताओं को छोड़ करके जब हम अपने वर्तमान दुनिया की बात करेंगे तो उसमें आता है कौन, यूनान काल। यूनान काल में जो पहले और प्रमुख विद्वान थे वो थे होमर। होमर बहुत बड़े कवि थे और कविताएं गागा करके अपने छात्रों को पढ़ाते थे। होमर के पास पढ़ने के लिए कुछ छात्र आते थे, होमर क्या करते थे, कविता सुना सुना के उन छात्रों को पढ़ाते थे, ठीक है। तो होमर की दो महाकाव्य माने जाते हैं, होमर के दो महाकाव्य माने जाते हैं, पहला है इलियाड और दूसरा महाकाव्य है ओडिसी। दो महाकाव्य होमर का याद रखिएगा, होमर के दो महाकाव्य इलियाड और ओडिसी, ये महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, जिसमें उस समय के ज्ञात संसार और जो पृथ्वी के बारे में जिस प्रकार से जो अनुमान लगाया गया उसके बारे में होमर ने बताया, क्लियर। होमर ने इसके बाद यह बताया कि पृथ्वी सागर सरिता से घिरी हुई है। देखिए पहले होता क्या था, पहले ये होता था कि लोग एग्जैक्ट तो जानते नहीं थे और न ही उनके पास ऐसा यंत्र था कि वो क्या करें, वह उस यंत्र का प्रयोग करके एक सही निष्कर्ष पर पहुँचें, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करें, ऐसी कोई बात तो उस समय थी नहीं। तो जितने भी विद्वान थे ये सभी विद्वान क्या करते थे, अनुमान लगाते थे, परिकल्पनाएं करते थे। तो उसी तरीके से होमर ने क्या किया, परिकल्पना प्रस्तुत की। जो होमर महोदय थे उस समय जो हवाएं चलती थी उन हवाओं को दिशाओं के आधार पर होमर महोदय ने चार भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, चार भागों में, ठीक है। जो उत्तर की हवा थी उसको होमर ने बोरस कहा और जो दक्षिण की हवा थी होमर ने उसको नोटस कहा। जो पूर्व की हवा थी होमर ने इसका नाम ह्यूरस दिया और जो पश्चिम की हवा थी होमर ने इसको जेफायरस नाम दिया। जो बोरस थी ये ठंडी हवा थी, तो ठंडी हवाओं को जो उत्तर दिशा से चलती थी, ठीक है, होमर उसको क्या कहते थे, बोरस। और जो तेज, जो नोटस थी ये दक्षिण की तीव्र हवा थी, बहुत तेज बहती थी, तो तीव्र हवाओं को होमर ने नोटस नाम दिया। जो पश्चिमी हवा थी ये तूफानी थी, तो तूफानी हवा को होमर क्या कहा करते थे कि ये जेफायरस है, तूफानी थी और गर्म थी, ठीक है। तो इसको होमर क्या थे, जेफायरस कहा करते थे। ह्यूरस उसी तरीके से आर्द्र हवा थी, ठीक ना, क्लियर। इसके अलावा होमर यह मानते थे कि पृथ्वी सागर सरिता से घिरी हुई है, पृथ्वी चारों तरफ से सागर से घिरी हुई है और जो आकाश है आकाश स्तंभों पर टिका हुआ है। क्या मानते थे, जो आकाश है आकाश किस पर टिका है, स्तंभों पर, चार स्तंभ हैं, ऐसे 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 चार स्तंभ क्या हैं, उमर का मानना था कि चार स्तंभ खड़े हैं और आकाश क्या है, इन्हीं चारों स्तंभ पर टिका है, जो आसमान दिखाई दे रहा है ये चार खंभों पर टिका है,
अच्छा पृथ्वी है, चारों तरफ से पृथ्वी क्या है, समुद्र से घिरी हुई है, यह किसका कहना था, होमर का कहना था। ठीक, तो एग्जाम में पूछता है कि बताइए किस विद्वान ने यह कल्पना की कि आकाश चार स्तंभों पर टिका है। ठीक है, तो होमर ने। क्लियर। इसके बाद आते हैं थेल्स, कौन आता है, थेल्स, थेल्स विद्वान आते हैं। थेल्स को भूगोल में गणित का जनक माना जाता है, मतलब भूगणितीय जनक माना जाता है किसको, थेल्स को। थेल्स यूनानी विद्वान है, भूगोल में गणित की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो थेल्स को ही जाता है। किसी भी स्थान को और उसकी स्थिति को बताने के लिए क्षेत्रफल को मापने का कार्य एक आधार रेखा से किसने शुरू किया, थेल्स ने शुरू किया। तो थेल्स वह सर्वप्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूमापन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, भूमापन की, थेल्स ऐसे विद्वान थे। क्लियर, थेल्स विद्वान यूनान के पहले दार्शनिक और चिंतक माने जाते हैं थेल्स। ठीक, थेल्स ने पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी एक डिस्क की तरह है, जैसे गोल डिस्क होता है ना, तो थेल्स ने यह बताया कि पृथ्वी डिस्क की तरह है जो जल पर क्या कर रही है, तैर रही है। पृथ्वी एक डिस्क की तरह है और क्या कर रही है, पृथ्वी जल पर तैर रही है। क्वेश्चन पूछेगा थेल्स को क्या माना जाता है बताइए, तो याद रखिएगा थेल्स को ब्रह्मांड विज्ञानी माना जाता था। ठीक है, खगोल शास्त्री माना जाता था, थेल्स को ब्रह्मांड विज्ञानी माना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी तरीके, हाँ लेकिन कार्य इनका मुख्य रूप से क्या था, जो थेल्स का कार्य है वो भूमापन में है, भूमापन की शुरुआत की, आधार रेखा को मान करके क्षेत्रफल बताना शुरू किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली यहाँ से आगे जो है एनैक्सिमेंडर हैं और आगे जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं उनको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, देखो ये ज्योग्राफिकल थाट है, अगर ये अच्छे से पढ़ लिए तो नेट की तैयारी आपकी, मतलब समझ लीजिए कि 80% पुख्ता हो जाएगी। बात समझ आ रहा है।